स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ में। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी दुख, गरीबी, कष्ट, लड़ाई झगड़े इत्यादि की समस्या रहती है? तो चिंता मत करिए, हम इन समस्याओं से बचने के लिए रोजाना नए नए उपाय की वीडियो लाते रहते हैं। तो बिना देरी किए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर करेंगी धन वर्षा। 2 फरवरी माघ मास के शुक्रवार को बस चुपचाप फेंक देना, यहां पर 5 जीरे के दाने, रातों रात बन जाओगे आप धनवान। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं से आपको से शीघ्र मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसका प्रयोग वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, किंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको शीघ्र से शीघ्र मुक्ति मिल है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके ना केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही सभी धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस तरह से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी समाप्त हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेंगी, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय यदि सही से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो समस्याएं होती हैं वो समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बन गया है, आपको किसी ऐसी बीमारी जकड़ लिया है जिसका आप इलाज कराकर थक गए परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है, केवल आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से तो हर तरह की समस्याओं से आपको छुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो बड़े आराम से मिल जाती है, किंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको वो आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहा तो यहां तक गया है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद करना चाहता है और वो केवल का उपाय और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्त कर ले तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होकर आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में शीघ्र से शीघ्र लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा होगा इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों, वो आकर हम आपकी कंप्लेंट का रिप्लाई में बता देंगे कि
किंतु के लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है कर्ज मुक्ति का भाव। उपाय दोस्तों, ये बात शायद आपको पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं आता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं। क्या उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही है, धन संबंधित परेशानियां तो आराम से समाप्त हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार यह उपाय करना होगा। अब का ही दिन क्यों, तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती है। और ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्र सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मुरली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले, माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या पोटली, उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, हम आपको जो बताने हैं वो हैं घर की बरकत का माहौल। उपाय देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नत नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक सरल सा उपाय बताने आ रहे हैं। या यदि आप लोग ने गुरुवार की सुबह जस्ट के बाद कर लिया, तो दोस्तों मैं आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, किंतु ये 3 मंगलवार को करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको 1 का दिया लेना है, मिट्टी का दिया के अलावा। यदि आप लोग पीतल का पात्र ले लें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनकी 51 जीरो के दाने रखने हैं, 3 मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना। 3 ये उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से 2 अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से, इन तरह की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको जल्द ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आपका नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के बाद इसको सर के ऊपर से ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाएं, और इस जीरे को घुमा लेना। आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी इस जीरे को
शनि सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी, ये जीरा उस नजर को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ श्रेणी के दिन किया जाता है। दोस्तों, मैं एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति यदि निर्णय उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वो भगवान विष्णु जी के हाथ में हो है। और आपने यदि भगवान विष्णु जी को पसंद कर लिया है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको तीन बृहस्पतिवार या उपाय करना होगा। तीन बृहस्पतिवार का मतलब आप तीन बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, पान मसाला शराब मदिरा ये सब आप बिल्कुल सकते हैं। तीन बृहस्पतिवार ये उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा, जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको क्या करना है, रविवार का दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है, आपको सुबह उठना है, नहाना है, घूरना है, आपको पीले कपड़े पहनने, क्योंकि भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले पहने जाएं, तो वह पूजा जल्द से जल्द सिद्ध हो। तो यह थी आज की विशेष जानकारी, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।